नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं मनीष कपूर। बात करेंगे हम आज देवशयनी एकादशी के बारे में कि कब से शुरू हो रही है देवशयनी एकादशी और कब तक चलेगी, कितने महीनों तक चलेगी और क्या क्या इसमें आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी 12 जुलाई से शुरू हो रही है। 12 जुलाई को एकादशी शुरू होने के बाद अगले 4 महीने तक किसी भी तरह के मांगलिक कार्य नहीं हो सकेंगे। देवशयनी एकादशी के शुरू होते ही चतुर्मास शुरू हो जाएगा। हिंदू धर्म के अनुसार इन 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आपको बता दें कि देवशयनी एकादशी को 2 अन्य नाम देव उठानी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी से भी जाना जाता है। इन 4 महीनों में किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों जैसे शादी, मुंडन, जनेऊ, तिलक आदि कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। इन 4 महीनों में अगर व्यक्ति भगवान की पूजा पाठ कथा साधना करता है तो उसे अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। हिंदू ग्रंथों में दी गई जानकारी के अनुसार इन 4 महीनों में, जो कि 12 जुलाई से 8 नवंबर तक है, शरीर सागर में शेष शेष्य पर शयन करते हैं। भगवान विष्णु इस दौरान योग निद्रा में रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। घर में शादी, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, कर्ण भेदन, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्य नहीं करने का एक कारण और भी है कि इन 4 महीनों में गुरु और शुक्र तारा भी अस्त रहता है, जिससे मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के बाद 8 नवंबर को देव प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाएगी और 8 नवंबर से फिर से लोग मांगलिक कार्यों को करना शुरू कर सकेंगे। हालांकि देवशयनी एकादशी शुरू होने से पहले यानी कि 11 जुलाई तक मांगलिक कार्य करने के लिए 4 मुहूर्त हैं। घर में शादी के लिए 8, 10 और 11 जुलाई का मुहूर्त शुभ है, लेकिन 4 महीने बाद यानी कि 8 नवंबर को देवउठानी एकादशी से भी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इनमें से 19, 20, 21, 22, 23 और 30 नवंबर का मुहूर्त विवाह के लिए शुभ बताया गया है। वहीं दिसंबर महीने में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त 11 दिसंबर है। और क्या है ये देवशयनी एकादशी का महत्व, चलिए बताते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखा जाता है। एकादशी पर विष्णु के साथ ही देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी से भगवान 4 माह के लिए विश्राम करते हैं। इस दौरान 4 माह तक मांगलिक और वैवाहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी जाती है। हालांकि लोग मांगलिक कार्यों की तैयारी और खरीदारी इन दिनों में कर सकते हैं। स्कंद पुराण के एक अध्याय के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को साल भर के सभी एकादशियों का महत्व बताया है। देवशयनी एकादशी में 4 महीनों तक ये काम ना करें। देवशयन के चतुर्मासीय व्रतों में पलंग पर सोना, भार्या का संग करना, मिथ्या बोलना, मांस, शहद और दूसरे के दिए हुए दही भात आदि का सेवन करना और मूली, पटोल एवं आदि का त्याग करना चाहिए। तो ये थी कुछ जानकारियाँ देवशयनी एकादशी को लेकर। बाकी की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इन खबर में और लाइक करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।